क्या आपका न्यूबॉर्न बेबी भी आपकी गोदी में सोना पसंद करता है और बेड पे लिटाते ही या सोते हुए अचानक नींद से उठ के रोने लगता है? घबराइए नहीं, न्यूबॉर्न बेबीज का ये सब करना नॉर्मल ही है, लेकिन हमेशा बच्चों को गोदी में लेके बैठे रहना पॉसिबल नहीं है और अचानक उठ के रोने की वजह से बच्चे और माँ दोनों ही लंबे समय तक ठीक से नहीं सो पाते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। नमस्ते, handfulmindful.com में आपका स्वागत है। एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में एक कन्फाइंड स्पेस यानी सीमित जगह में 9 महीने तक रहता है। गर्भ में मिलने वाली गर्मी और कन्फाइंड स्पेस बच्चे के लिए कोजी एटमॉस्फेयर यानी आरामदायक वातावरण बनाने का काम करते हैं और बच्चे को सुरक्षित यानी सेफ फील कराते हैं। लंबे समय तक ऐसे ही वार्म और कोजी एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से बच्चे को उसकी आदत पड़ जाती है। जन्म के बाद अचानक हुए अपने आसपास के चेंजेस को समझने और उसके हिसाब से एडजस्ट होने में उनको थोड़ा टाइम लगता है और तब तक वो उसी गर्मी और कन्फाइंड स्पेस में कंफर्टेबल फील करते हैं। यही वजह है कि बच्चों को गोदी में सोना बहुत पसंद होता है, जहां उनको गर्भाशय जैसी गर्मी के साथ साथ कन्फाइंड स्पेस भी मिलता है। और रही बात नींद से अचानक उठ के रोने की, तो आपने नोट किया होगा कि बच्चा अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ हवा में उठा के या जर्की मूवमेंट के साथ अचानक से रोने लगता है। इसको स्टार्टलिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लाउड नॉइज, उनका खुद का सडन बॉडी मूवमेंट, व्हाइट नॉइज का ना होना वगैरह। व्हाइट नॉइज के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसीलिए जन्म से लेके लगभग 3 से 4 महीने तक या जब तक बच्चा रोल करना ना शुरू कर दे, तब तक बच्चे को स्वेडर किया जाता है। स्वेडलिंग का मतलब है बच्चे को पतले मलमल के कपड़े में इस तरह लपेटना कि उनको कन्फाइंड स्पेस, सेफ्टी और वार्मथ का एहसास होता रहे, जिससे वो लंबे समय तक सो पाएं और स्टार्टलिंग रिफ्लेक्स की वजह से अचानक नींद से ना उठें। स्वेडल करने के काफी फायदे हैं, जैसे कि कपड़े में लपेटने की वजह से उनको गर्भ में मिलने वाली गर्मी का एहसास होता है। इससे उनको हमेशा आपकी गोदी में सुलाने की जरूरत नहीं रहेगी और बेड पे लिटाते ही बच्चा रोएगा नहीं। स्वेडलिंग से लिमिटेड फ्री मूवमेंट की वजह से बच्चे को सेफ तो फील होता ही है, साथ ही वो लंबे समय तक सो पाते हैं, क्योंकि नींद में अचानक से उठने की प्रॉब्लम या स्टार्टलिंग रिफ्लेक्स का इश्यू नहीं रहता। अपने बच्चे को स्वेडल करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लें। 0 to 3 मंथ्स तक के बच्चों को ही स्वेडल करना चाहिए या उन बच्चों को जो अभी तक रोल नहीं करते। जब बच्चा रोल करना शुरू कर दे तो इसे बंद कर दें, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स की वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। मलमल या पतले ब्रीदेबल फैब्रिक का ही यूज करें, जिससे बच्चे की बॉडी जरूरत से ज्यादा हीट ना हो। स्वेडल करते टाइम बच्चे के पैर जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश ना करें, उनके नेचुरल पोस्चर में ही उनको स्वेडल करें। कपड़ा बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, खासकर हिप्स के पास बच्चे को पैर चलाने के लिए जगह रहनी चाहिए। हिप्स के पास टाइट बांधने से बच्चों के हिप्स के नॉर्मल ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना लूज भी नहीं बांधना है कि बच्चा थोड़ा भी हाथ पैर चलाए तो स्वेडल क्लॉथ ओपन हो जाए। बच्चे को स्वेडलिंग के बाद पीठ के बल यानी कि बैक पे ही सुलाएं। साइड या टमी पे सुलाने से बच्चे का नाक या मुंह दब सकता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। स्वेडलिंग गर्दन से नीचे कंधों तक ही करनी है। गर्दन के पास कपड़े को अच्छे से अंदर की तरफ इंसर्ट कर दें, ताकि हैंड मूवमेंट्स की वजह से कपड़े से बच्चे का मुंह ना ढके। शुरू शुरू में जब आप अपने बच्चे को स्वेडल करना स्टार्ट करें, तो कुछ दिनों तक हर थोड़ी देर में बच्चे को चेक करते रहे कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। अगर बच्चा स्वेडलिंग के बाद रो रहा है, तो इसका मतलब या तो आपने कपड़ा टाइट बांध दिया है, या तो बच्चे को उस कपड़े में गर्मी लग रही है, या उसको स्वेडलिंग बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रही है। आप दिन और रात दोनों ही टाइम बच्चे को सुलाते टाइम स्वेडल कर सकते हैं। सोने के टाइम स्वेडलिंग करने से उनकी स्लीप साइकिल भी डेवलप होगी और उनको समझ आएगा कि सोने का टाइम कब है। अब फाइनली देखते हैं कि स्वेडलिंग करनी कैसे है। सबसे पहले एक पतला स्क्वायर शेप का मलमल या ब्रीदेबल फैब्रिक का कपड़ा ले लें, लगभग 1 मीटर बाय 1 मीटर का। कपड़े को बेड पे बिछाने के बाद बच्चे को इस तरह उस पे लिटाएं कि कॉर्नर्स बच्चे के सर और पैर की तरफ आएं। अब सिर की तरफ वाले कोने को इस तरह से फोल्ड कर दें, फिर साइड वाला कोना पकड़ के इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके नीचे की तरफ इंसर्ट कर दें।
यहाँ ये बात ध्यान रखें कि इंसर्ट करने के बाद कपड़ा फ्लैट हो, एक जगह इकट्ठा ना हो। अब पैर के पास वाला कोना पकड़ के एक बार फोल्ड करें कि ऐसा ट्रायंगल बन जाए। इस ट्रायंगल को एक बार और फोल्ड करें, फिर बचा हुआ कोना लेके इस तरह से बैक साइड में इंसर्ट कर दें। ध्यान रहे कि बहुत टाइट नहीं बांधना है। बच्चे के हाथ और पैर के मूवमेंट्स के लिए थोड़ी स्पेस रहनी चाहिए। स्वेडलिंग करने के लिए आप किसी पुराने मलमल के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसको घर पर नहीं बनाना चाहते तो मार्केट में मिलने वाले स्वेडलिंग क्लॉथ का परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहे तो उस पे क्लिक करके अपने बच्चे के लिए स्वेडल क्लॉथ खरीद सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में बताई गई टेक्निक आपको और आपके बच्चे को अच्छी और लंबी नींद दिलाने में हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने के साथ ही आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।